لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو عبد الله بن الصادق عليه الصلاة والسلام شيعتنا من لا يسأل الناس ولو مات جوعا हज़रात ग्रामी सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम जिनसे मंसूब हैं उन्हें कितना पहचानते हैं इस उनवान के साथ इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत की मुनासिबत से मुसलसल सात रोज़ से आपकी खिदमत आलिया में हाजिर हैं। आज भी इमाम शिशुम की एक इंतहाई कुव्वत बख्शने वाली हदीस और हिम्मत देने वाली हदीस जो शियों को हिम्मत देने वाली है और कुव्वत देने वाली है हाजिर हुए हैं कि जिसमें इमाम ने अपने शियों की हिम्मत बढ़ाई है, उनकी ताकत बढ़ाई है और उन्हें ये यकीन और इत्मीनान दिलाया है कि हमारी शियत का फ़ायदा क्या है और हमारी शियत की ताकत क्या है कि आदमी उसका एहसास भी करे। फरमाते इमाम अलैहिस्सलाम के हमारा शिया वो है कि जो मन ला यसअलुन्नास कि जो लोगों से ख़ास तौर से वो लोग के जो हमारे मुखालिफ हैं हमारे दुश्मन हैं उनसे कोई सवाल नहीं करता है, उनसे जो है वो क्या है अपनी हाजत को नहीं बयान करता, उनके सामने हाथ को नहीं फैलाता है। वलौमा तजुआ चाहे वो भूख से मर ही क्यों ना जाए। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं ये शियत की एक पहचान है जो हम बता रहे हैं। फरमा रहे हैं कि हमारा शिया वो है जो भूख से तो मर जाएगा लेकिन हमारे दुश्मन से कभी कोई मदद नहीं लेगा। इसका सादा और आसान तर्जमा ये है कि हमारा वाकई शिया वो है कि जो भूख से तो मरना पसंद करेगा लेकिन हमारे दुश्मन से और हमारे मुखालिफ से कोई मदद लेना गवारा नहीं करेगा। बेशक इमाम की क्या है शियत ये इंसान को मुश्किल हालात में भी बाकी रहने में मदद करती है और यह हदीस बिलखसूस जो है वो क्या है मुश्किल हालात फ़क्र फाका की ज़िंदगी में भी इमाम के शियों को बाकी रहने पर मददगार साबित होगी। आप इस तरीके के बहुत सारे वाक़ात हैं कि जहाँ इमाम अलैहिस्सलाम के शियों को क्या है मुश्किल हुई हैं लेकिन उन्होंने क्या है अपनी आबरू को अपने वक़ार को अपनी इज्जत को किसी दूसरे के सामने क्या है अपने हाथों को फैला करके सौदा नहीं किया है। अब एक वाक़ सुन लीजिए जनाब, जाहिर सी बात है कि मुश्किलात आती हैं, हालात जो है वो ख़राब होते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो हो सकता है ताने भी दें, बहुत सारे लोग जो है वो क्या है उल्टी सीधी बात भी कहें टॉन्ट भी कसें, हो सकता है जो मुखालिफ हो इमाम का वो शियों को जो है बुरा भला भी कहे मज़े भी ले। ऐसे वाक़ात जो है वो अगर आज होते हैं ताज्जुब करने की बात नहीं, गुज़िश्ता दौर में भी इमाम के ज़माने में भी ये हो चुके हैं, हालात ऐसे आ चुके हैं जहाँ लोगों को शियों को क्या है इमाम की तरफ से तो इत्मीनान था लेकिन जो है वो दुश्मनान ने जो अहले बैत थे इमाम के जो दुश्मनान थे वो इमाम के चाहने वालों के ऊपर जो है वो ताने कसा करते थे, उनको इस तरह की बातें कहा करते थे जिससे उनको तकलीफ़ हो। चुनांचे जनाब दाऊद रिक्की के जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं इमाम के चाहने वाले हैं इन्हीं से जो है वो और भी मुतअद्दिद रवायतें हैं, इन्हीं से दिलचस्प रवायत है जनाब जो है वो सहेल खुरासानी वाली जो जाके ख़त्म होती है जनाब हारून मक्की के इज़हार और उनकी कुर्बानी के ऊपर उनके जो है वो जज्बे यकीन और ईमान के ऊपर कि जब उन्होंने आए इमाम की खिदमत और इमाम ने उनसे कहा कि जो है वो जलते हुए तंदूर में कूद जाओ, तो ये पूरी रवायत जो है जनाब दाऊद रिक्की से ही बयान की गई। यहाँ पर भी एक रवायत जनाब दाऊद रिक्की से, वो वाक़ा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं, वो तंदूर वाला वाक़ा नहीं नकल करना है बल्कि ये वाक़ा कि जो एक शिया को जो है वो क्या है कितनी ढारस देता है कितना जो इत्मीनान देता है। आज हो सकता है दो चार मिनट गुफ्तगू तुलानी हो जाए क्योंकि वाक़ा बहुत दिलचस्प है। इमाम फरमाते हैं कि शियत के सिलसिले में कि हमारा शिया जो है वो भूख से तो मर जाएगा लेकिन किसी गैर और हमारे मुखालिफ के सामने दस्ते सवाल नहीं बुलंद करेगा, हाथ नहीं फैलाएगा। ठीक है, अब ये वाक़ सुनो। जनाब दाऊद रिक्की कहते हैं कि मैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में मदीने मुनव्वरा में गया, इमाम की खिदमत में जो है वो हाजिर हुआ, इमाम को सलाम करके जो है वो क्या है बैठा ही था कि
इमाम ने देखा कि मेरी हालत जो है वो गैर है, मैं रो रहा हूँ, मेरी आंखों से आंसू जा रही हैं, गिरिया कर रहा हूँ। इमाम ने फौरन पूछा, क्यों रो रहे हो, रोने की वजह क्या है? अल्लाह अकबर, गौर से सुनिए और फ़ख्र कीजिए शिया होने पर, और इत्मीनान करिए, यकीन रखिए अहले बैत का चाहने वाला होने के ऊपर के अल्लाह ने और इमाम ने हमारे ऊपर कितनी नवाजशात की हैं। फरमाते हैं कि मैं गिरिया कर रहा था, रो रहा था, इमाम ने पूछा क्यों रो रहे हो, तो कहते हैं कि मैंने इमाम से कहा कि फ़र्जंद रसूल, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमारे ऊपर ज़बान के ज़रिए से ज़ख्म लगाते हैं, हमको क्या है बुरा भला कहते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं। क्या कहते हैं? ये कह के मजाक उड़ाते हैं कि तुम जो है वो भले जो है वो इमाम सादिक के शिया हो, लेकिन हमारे ऊपर तुम्हारी कोई बरतरी नहीं है, हमारे ऊपर तुम्हारी जो है वो क्या है, कोई फजीलत नहीं है, जैसे हैं वैसे तुम हो, हम सब बराबर हैं, तुम्हारा शिया होना जो है वो क्या है, अलग से कोई मीयार नहीं बढ़ाता है, तुम्हारी जो है वो इज्जत में इजाफा नहीं करता है, तुम्हारे वक़ार को जो है वो बुलंद नहीं करता है, बल्कि तुम भी हमारी तरह हो, कोई फ़र्क नहीं करता है, तुम जो है वो इमाम के चाहने वाले इमाम के चाहने वाले नहीं, मगर हम दोनों बराबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा कोई मरतबा हमारे दरमियान नहीं है, हमारे ऊपर तुम्हें कोई बरतरी हासिल नहीं है। जाहिर सी बात है, वाकई शिया हो अगर इतना सुन लेगा तो उसको तकलीफ़ तो होगी। अदा जो है वो इमाम साहब कहा कि मौला इसलिए रो रहे हैं कि जो है वो इस तरह से आपके मुखालिफ जो है वो क्या है हमला करते हैं और ज़बान के ज़रिए से ज़ख्म देते हैं कि तुम लोगों की हमारे ऊपर कोई बरतरी नहीं, कोई अफजलियत नहीं है। इमाम ने फरमाया कि वो लोग जो ऐसा कहते हैं हमारे दुश्मन, वो अल्लाह की रहमत से महरूम हैं, दूर हैं, और वो जो कहते हैं इस तरह, वो झूठ बोलते हैं, वो झूठ कहते हैं, बस काफ़ी है एक शिया के लिए इतना ही इमाम का कहना कि दुश्मन क्या है इमाम का, वो रहमत खुदा से दूर है और वो झूठ बोलता है। चुनांचे इमाम ने फिर भी जो है वो आने वाले ज़माने के लिए इमाम ने और जो है वो क्या है एक मुफस्सल पैगाम दिया। वाकया अब यहाँ से शुरू होता है। इमाम ने फरमाया कि उठो खड़े हो। दाऊद रिफ्ती कहते हैं कि इमाम अपनी जगह से उठे और उठने के बाद जो है उन्होंने अपने पाए मुबारक को, अपने जो है वो पैर को ज़मीन पर मलाया, इमाम ने घिसा ज़मीन पर अपने पैर को, और फौरन जो है वो इज़्न खुदा से उन्होंने अल्लाह के इज़्न से जो है वो ज़मीन से कुछ कहा के वो, जिसके बाद जो इज़्न खुदा से ज़मीन जो है क्या है ईजाद हो गई, अलग कैफियत में आ गई। और वो कहते हैं कि मैंने देखा कि यकायक जो है वो एक जर्द रंग की जो है वो एक कश्ती जो है वो बरामद हुई, और उसके दरमियान में उस कश्ती के सफ़ेद रंग के जो है वो क्या है परचम, और कश्ती के ऊपर जो है सब्ज रंग का जो है वो परचम लगा हुआ है था, जिसके ऊपर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुम वलीउल्लाह, ठीक है, और उसके बाद लिखा था कि यक़्तुलु अल-क़ाइम अल-अअदा, जो है वो अल्लाह सिवाय खुदा कर कोई नहीं है, मोहम्मद उसके रसूल हैं, और अली खुदा के वली हैं, और क़ाइम जो आखिरी इमाम है वो आदा और दुश्मन को कत्ल करेंगे, और उसके बाद क्या है वयुबसुल मोमिनून, और जो है वो इंसरुल्लाह, और मोमिनीन जो है वो क्या है खुदा की तरफ से महबूस किए गए हैं और अल्लाह उनकी मदद करेगा, ठीक है, किसके ज़रिए से, मलाइका के ज़रिए से, ये कश्ती परचम के ऊपर लिखा हुआ था। फ़ख्र करिए कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शिया हैं। वो कहते हैं जनाब दाऊद रिफ़ी कि इसी दरमियान हमने ये महसूस किया कि देखा कि चार कुर्सियां जो है वो आकर के उस कश्ती के दरमियान रखी गई, और उसमें जो है वो जवाहरात और हीरे जड़े हुए थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम उनमें से एक कश्ती के ऊपर बैठे, और दो फर्जंद इमाम के जो है वो जनाब इस्माइल और जनाब मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम, वो दोनों भी जो है वो इमाम के बगल में बैठे, और हमसे इमाम ने फरमाया, अब तीन कुर्सी हो गई, दो फर्जंद उनके और एक जो है वो खुद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बैठे, और उसके बाद जो एक कुर्सी बची वो दाऊद रिक्ती से इमाम ने कहा कि तुम इस कुर्सी पर आके बैठ जाओ। अल्लाह अकबर, कहा कि तुम इस कुर्सी के ऊपर आकर के बैठ जाओ। जनाब दाऊद रिक्ती उस चौथी कुर्सी के ऊपर बैठे, और इमाम ने उस कश्ती को हुक्म दिया कि अल्लाह के हुक्म से तो जो है वो क्या है हमारे हुक्म की इताअत कर। जनाब दाऊद रिक्की कहते हैं कि बस वो कश्ती जो है वो क्या है एक ऐसे दरिया में पहुंची कि जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा क्या है शीरिनतर और मीठा था, और वो कश्ती चलने लगी उस दरिया में इतने साफ़ और शफाफ पानी में कि जो शहद से ज़्यादा शीरिन था और
शीर से ज़्यादा क्या है सफ़ेद था। कहते कि वो कश्ती चलते 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 एक ऐसे पहाड़ के सिलसिले के पास से गुजरी जहाँ पहाड़ ही पहाड़ थे, और वो पहाड़ जो सब क्या है दूर याकूत के थे। और फिर वो कश्ती एक जजीरे के ऊपर जाके रुकी, और उस वो जजीरे के वसत में दरमियाने कुछ कुब्बे थे गुम्बद से जो सफ़ेद रंग के थे, और वहाँ पर मलाइका इलाही जो है वो क्या है मजमा लगाए हुए, तमाम मलाइका जो है वो क्या है सब के सब मौजूद थे। और ऐसी सूरत में कि जब जो है वो हम लोग वहाँ पहुँचे ऐसी जो है वो बेहतरीन जगह के ऊपर बेहतरीन मनाज़िर को देखते हुए, तो जनाब दाऊद रफ़ी कहते जब वहाँ पहुँचे तो सारे फरिश्तों ने जनाब इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम को फरमाया कि अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह, और फरजंद रसूल आपके ऊपर हमारा सलाम, और फरमाया कि अहलन वसहलन खुश आमदीद आप जो है वो तशरीफ़ लाए। और उन्होंने जो है वो वेलकम करने के बाद खुश आमदीद कहने के बाद जो है वो क्या है इमाम ने उन कुब्बे और जो गुम्बद थे उनकी तरफ जो है वो फरमाया कि जनाब दाऊद रफ़ी से कि दाऊद रफ़ी ये जो है वो सारे गुम्बद और जो ये सारी चीज़ें हैं ये सब मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़ुर्रियत से मखसूस हैं, उनके नस्ल उनके अहले बैत और उनकी औलाद से मखसूस हैं। और फरमाया कि जो भी हम में से अहले बैत रसूल में से इस दुनिया से जाता है ज़ाहरी दुनिया छोड़कर जाता है तो वो इस जगह पर आता है, और कुरान करीम में भी अल्लाह ने इसकी तरफ इशारा किया है कि जो है वो अहले बैत रसूल तुमको जो है वो क्या है हमने एक दूसरे मरतबे की तरफ क्या है पलटा दिया है। ये दूसरा मरतबा दूसरा आलम दूसरी दुनिया यही है कि जहाँ हम सबको ये के बाद दिगरे जैसे जिसकी शहादत वाक़ होती वो यहाँ आता है इस बेहतरीन जो है वो जगह के ऊपर। और उसके बाद इमाम ने दाऊद रफ़ी कहते हैं कि इमाम ने अपने हाथ को दरिया के अंदर डाला और वहाँ से जो है क्या है आपने दरिया के अंदर से पानी के अंदर से कुछ जो है वो क्या है याकूत निकाले और कुछ हीरे जवाहरात निकाले, और फरमाया हमसे कि दाऊद अगर तुम्हें जो है वो दुनिया की तलब हो तो इन जवाहरात को ले लो, इन हीरों को ले लो, इन जो है वो कीमती पत्थरों को ले लो। हमने दाऊद रफ़ी कहते कि हमने रसूलुल्लाह के फ़र्जंद से फरमाया कि यब रसूलुल्लाह फ़र्जंद रसूल ऐ इमाम हमको दुनिया की तरफ रग़बत और इलाका नहीं है, हमको दुनिया से कोई दिलचस्पी नहीं है। हो अब यहाँ पर रुक करके एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि इमाम की इतनी इनायात और इमाम की इतनी नवाजशात उन्हीं शियों के ऊपर होती कि जो दुनिया से क्या है दूर हैं, उसकी रग़बतों से दूर हैं, उसके साथ जो दिलबस्तगी नहीं करते हैं, उसके क्या है फरेफ्ता नहीं होते हैं उसके ऊपर, इनके दिल में क्या है मोहब्बत दुनिया नहीं होते, सिर्फ मोहब्बत इमाम मोहब्बत रसूल मोहब्बत खुदा होती है, उसके लिए इमाम ये सब जो है वो क्या है करके दिखा रहे हैं। फरमाया कि नहीं हमको जो है मौला ज़रूरत नहीं, दुनिया की हमको चाहत नहीं है, दुनिया से कोई दिलचस्पी नहीं है, किसी तरह से हमारा दुनिया से कोई रबता इस तरह का नहीं है कि हम इन हीरे जवाहरात को ले लें। फिर इमाम ने जो है वो दाऊद रफ़ी कहते हैं कि इमाम ने जब फिर जो है वो दरिया में हाथ को डाला और फिर वहाँ से जो है वो उसकी मिट्टी को निकाला, और वो मिट्टी जो है मुश्क अंबर से भी ज़्यादा खुशबू दे रही थी। और उसके बाद जो हम सब ने उस मिट्टी को सूंघा और इमाम ने उस मिट्टी को दोबारा दरिया में डाल दिया, और उसके बाद फरमाया कि जो है वो अब यहाँ सुनिए, फरमाया जनाब इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम ने कि दाऊद रफ़ी उठो आओ चलो ज़ियारत करते हैं किसकी किसकी अल्लाह अकबर पहले इमाम हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की, और उसके बाद फरमाया कि जो है वो अबू मोहम्मद हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम दूसरे इमाम की, फिर फरमाया अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन यानी तीसरे इमाम की, और जो है वो फिर अबू मोहम्मद अली इब्न अल हुसैन चौथे इमाम की, और फरमाया कि हमारे पैदर बुजुर्गवार अबू जाफ़र मोहम्मद इब्न अली अलैहिस्सलाम कहा कि जो है वो पहले इमाम से पाँचवें इमाम तक जो हमसे पहले फरमाया था ना कि यहीं पर जो है वो क्या है अल्लाह उन्हें ले आता है इन जगह के ऊपर, और ये जो महल है और ये जो पहाड़ और ये जो गुंबद और ये सारी चीज़ें बनी हुई खूबसूरत यहाँ पर उनको क्या है अल्लाह एक दूसरी दुनिया में ले आता है, वो दिखाओ कहा कि जाओ आओ चलो ज़्यारत करते हैं आइम्मा की, अल्लाह अकबर इन आइम्मा की ज़्यारत के लिए आए। दाऊद कितना खुश नसीब है ये साहबी कैसा शिया है, फरमाते हैं कि जब वहाँ पहुँचे जो है वो तो हमने देखा कि सारे गुंबदों के दरमियान एक गुंबद है जहाँ पर जो है वो क्या है एक पर्दा लटका हुआ है, और वहाँ पर हमने जनाब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के चेहरे अक़दस की ज़ियारत की, बैठे उनकी खिदमत में हमने सलाम किया इमाम को,
इमाम ने सलाम का जवाब दिया। उसके बाद कहते हैं कि हम फिर दूसरे कुब्बे में गए, दूसरी मंजिल पर गए, वहाँ हमने इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की, उन्हें सलाम किया, उनकी खिदमत में बैठे। अल्लाह अकबर, फिर कहते हैं कि जो है वो हम इसी तरीके से फिर अगले कुब्बे में गए, अगली जगह पे गए, वहाँ हमने सरकार सैयद शहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िरी दी, सलाम किया। अल्लाह अकबर, चौथे इमाम की खिदमत में गए, पाँचवें इमाम की खिदमत में, सबको सलाम करते रहे। और उसके बाद फरमाते हैं कि जनाब इमाम जाफर सादिक कैसा शिया है कि हर इमाम की वाकई ये वाक़ जब पहली बार पढ़ा था तब भी जो है वो आँखों से आंसू आ गए थे खुशी से, और जब आपको पढ़ के सुना रहे हैं तब भी जो है वो क्या है आंखों में आंसू हैं। शिया वाकई जो है वो अल्लाह हम सबको ऐसा शिया करार दे जो जिंदा रह करके जो है वो क्या है आइम्मा की ज़ियारत करे, इतना बड़ा शरफ। फरमाते कि फिर जो है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने जो है वो क्या है वो जो जजीरा था उसके दाहिनी तरफ निगाह डाली, और जब हमने भी उधर देखा तो जो है वो कुछ कुब्बे नज़र आए जो बग़ैर पर्दे के थे, ये पांचों कुब्बे जो है वो पर्दे के साथ थे, इनमें पर्दे लगे, लेकिन जब दाहिनी तरफ हमने देखा तो ये कुब्बे बग़ैर पर्दे के नज़र आए। हमने पूछा इमाम से कि फ़र्ज़ंद रसूल बताइए कि ये कुब्बे जो है बग़ैर पर्दे के क्यों हैं। इमाम ने फरमाया कि ये जो है वो ये कुब्बे जो है वो हमारे लिए हैं और हमारे बाद के आइम्मा के लिए हैं। और फरमाया कि जो है वो इस जज़ीरे के दरमियान में खूब गौर से देखो, ठीक है, खूब गौर से देखो। दाऊद रिक्की कहते मैंने गौर से देखा तो एक इंतहाई बुलंद और जो है वो सबसे ऊंचा कुब्बा दिखाई दिया, जिसमें जो है एक तख्ती लिखी हुई थी, तख्ती तो उस पर लिखा हुआ था कि जो है वो इमाम ने फरमाया कि ये कुब्बा और ये जगह जो है वो हमारे कायम की है, हमारे आखिरी फर्जंद की है कि जो इनसे मखसूस है। और उसके बाद इमाम ने फरमाया कि आमादा हो जाओ, अब हम लोग जो है वो वापस जाएंगे। और फिर कश्ती को आपने ख़िताब किया और हुक्म दिया कि हुक्म खुदा से इज़्ज़त खुदा से हमको वहीं पहुंचा दे। जनाब दाऊद रिक्की कहते हैं कि बस लहजे भर में हमने जब दोबारा जो है वो अपनी आंखों खोला तो क्या देखा कि वहीं इमाम के पास मदीने में इमाम के बैतुल शरफ में बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर, कितना दिलचस्प वाकया, कितनी दिलचस्प हकायत कि इमाम ने किस तरीके से अपने वाकई शिया की जो वो क्या है कैफियत और उसकी अजमत को वाज़े किया है कि वाकई शिया वो है कि जो इमाम पर यकीन कामिल रखे, इमाम के ऊपर क्या है उनकी मोहब्बत पर यकीन मुस्तहकम रखे, ईमान कामिल रखे कि कोई उसे लर्जा ना कर सके, कोई उसे हिला ना सके, कोई उसे जो क्या है उसके ईमान और यकीन से हटा ना सके, हिला ना सके। अल्लाह हम सबको सही मानों में वैसे ही शिया करार दे जैसे दाऊद रिक्की थे, या वैसा शिया करार दे कि जैसा इमाम सादिक अलैहिस्सलाम और दीगर आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम चाहते हैं। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।